आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू रोल की रेसिपी। इसे हम समोसा रोल ही बोलते हैं। इसे बनाना सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और बच्चों को बड़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। चलो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मोइन कर लेंगे और नॉर्मल पानी से हम इसे सॉफ्ट डो बनाना है हमें अच्छे से। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बॉयल आलू लिया हुआ है। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, घस लेंगे अच्छे से ताकि हमारे आलू रोल अच्छे से सॉफ्ट बने, एक भी गुठली ना रहे। सारे आलू को हम ऐसे घस कर रख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर घस लिया और यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया, उसे भी मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची ली है, उसे बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिया है 1 स्पून। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया हुआ है, क्योंकि हरे धनिया से आलू टेस्ट और अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आलू हमारे थोड़ा सॉफ्ट होते हैं तो इसलिए मैंने कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया हुआ है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, इसे सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए डो हमारा रेडी हो गया, हम इसे साइड में रख देते हैं। हम यहाँ पर पेस्ट बनाएंगे। हम यहाँ पर साइड में चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैदा लिया हुआ है, इसे हम पेस्ट बनाना है। देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम आलू के नट्स बनाना रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लिया है ताकि हमारा जो पेस्ट है वो चिपकेगा नहीं हाथ में, लगेगा नहीं हाथ में। यहाँ पर छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे और इसे हमें मीडियम साइज का, हमें जैसे नट्स बनाते हैं आलू के, बिल्कुल हमें वैसे ही बनाना है। देखिए ऐसे, ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए। इसी तरह हमें आलू के नट्स सब बना के रेडी कर लेना है, बिल्कुल मीडियम साइज के। और हमें बहुत बार ऐसा होता है कि समोसा खाने का मन होता है, समोसा बनाने में बहुत झंझट लगता है, बहुत टाइम लगता है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाइए। ये समोसा रोल काफ़ी ज़्यादा ईजी है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हमें आलू के नट्स बना के रेडी कर लिए हैं और डो भी हमारा रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट डो हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। सबसे पहले हम चकले पे मैदा डालेंगे, सूखा मैदा डालेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्ट डो है वो चिपकेगा नहीं बेलन पे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल हमें रोटी के जैसा बड़ा साइज में इसे बेल लेना है, बिल्कुल बड़ा साइज का आकार जैसा बना लेना है। मैंने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया। अगर आप लोग चाहें तो गेहूँ के आटे से भी ये नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर हमें चौकोन साग का चाहिए तो इसलिए हम साइड साइड के हम थोड़ा कटिंग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा होगा। वैसे हम साइड से सब कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आलू के एक नट्स लेंगे, उसे हम ऐसे बीच में रखेंगे साइड में और इसी तरह हम नाप के उसे ऐसे कटिंग करेंगे, एक पट्टी काटेंगे ऐसे और हमें बाकी की भी पट्टी ऐसे काट लेंगे। इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है इसे नाप के बनाने में। जो हमने मैदे का घोल बना के रखा था उसे एक साइड से ऐसे लगाएंगे और दूसरी साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और लास्ट वाली साइज में हम फिर उसे मैदे का घोल लगाएंगे और उसे ऐसे चपका देंगे। देखिए हमारे आलू के स्नैक बन के रेडी हो गए हैं समोसा रोल। बाकी के हमारे जो समोसा रोल है, आलू के रोल है, हम बाकी के सब ऐसे बना लेंगे एक एक करके। मैंने आप लोगों को काफ़ी इजी रेसिपी से बताया समोसा रोल बनाना, बिल्कुल कम मसालों से, बिल्कुल हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। मैंने एक साइड में मीडियम आंच पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा मीडियम आंच पे गरम हो चुका है, हम इसे अब फ्राई करेंगे एक एक करके। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। एक एक करके हम इसे यहाँ फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे आलू रोल और समोसा रोल बनके रेडी हो चुके हैं, हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है
और दोनों साइड से अच्छे से हमें इसे सेक लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे आलू रोल बनके रेडी हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे और सारे नाश्तों के एक एक करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने ये रेसिपी को आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से बताया है। ये आलू रोल समोसा रोल बनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है, इसे 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। आप लोग इसे बच्चों के टिफिन में दें, आप लोग शाम को चाय के साथ में इसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।